सब चीजें हमें पता नहीं लग पाती इफ ही वाज नॉट हियर। अभी हम अंडमान की सबसे खूबसूरत जगह में एंट्री करने वाले हैं। लेमन जूस, लेमन सोडा, आम पन्ना, फ्रेश मैंगो जूस, इलफिश। पानी का जो प्रेशर है सर ना, हाँ सब एडजस्ट होता है, सब एडजस्ट हो जाता है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का व्लॉग शुरू होता है बीच, डायरेक्ट सीधा बीच से, क्योंकि आज है नील में हमारी आखिरी सुबह। इसके बाद ना जाने हम कब वापस आएंगे। आखिरी सुबह मतलब सुबह के 2-3 घंटे ही हम यहाँ पे, इसलिए कल हम जिन भाई साहब के साथ मिले थे आज हम फिर उनके साथ हैं। उन्होंने बोला था कल सुबह तुम मुझे मिलो 5 बजे, तो ये हमें स्नॉकलिंग पे लेके जा रहे हैं, स्नॉकलिंग करेंगे। कल स्कूबा डाइव किया था हमने, स्कूबा डाइव करके बहुत मज़ा आया। और ये सब आ गए आज फिर हमारे साथ। आज हमारे पास शूट करने का टाइम थोड़ा कम है क्योंकि आज बहुत भागा दौड़ी है, तो मिलते हैं स्नॉकलिंग के बाद। अभी हम थोड़ी और आगे जा रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा फिश देखने को मिलेगी। मुझे लगता है स्नॉकलिंग करने के बाद अगर स्कूबा करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। स्नॉकलिंग करने से क्या होता है मतलब, हाँ तो जो पानी का जो प्रेशर है सर ना, हाँ सब एडजस्ट होता है, सब एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद स्कूबा डाइविंग करने से आपको कुछ आसान होता है। हाँ, तो अभी हम आए हैं लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2 पे। यहाँ पे है नेचुरल ब्रिज, बहुत सुंदर है। सनलाइट डायरेक्टली यूज होगा ना, मर जाएंगे। 24 घंटा पानी चाहिए, ऊपर का पोर्शन जो है जो भी, नीचे का जो है लाइफ। इस पे फंगस आना जरूरी है तब एक्टिव होता है। नहीं नहीं, फंगस है तो मतलब मर गया। अच्छा अच्छा अच्छा, नेचुरल कलर था व्हाइट, रेड, पिंक। अच्छा, जिस पे हम खड़े हैं वो भी कोरल है। कोरल है जो कि डेथ कोरल है, रीफ बन गया, डेथ कोरल है, रीफ बन गया। कोरल अगर हमारा लाइफ में, हमारा ओशियन का अंदर, समुद्र का अंदर कोरल जिंदा नहीं रहेगा तो एक भी फिश, एक भी एनिमल जिंदा नहीं रहेगा। जितना सारा फिशेस है, कोरल्स का काम होता है, कोरल्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ओशियन का CO2 को एब्जॉर्ब करके रख देता है, फिर वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सारे। जैसे कि हमें धरती में अगर एक भी ट्रीज नहीं होगा, ट्री नहीं मिलने से हमें ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सेम कोरल का काम होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ओशियन का CO2 को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके कैल्शियम और कार्बोनेट में कन्वर्ट करता है। तो कोरल्स को जिंदा रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है समुद्र के लिए। समुद्र में नहीं तो एक भी फिश, एक भी एनिमल जितना भी होता है सब कोई ऑक्सीजन नहीं लेने पाएगा। जैसे सेम जैसे कि हमें ट्रीज नहीं होगा धरती में, हमें भी ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। कोरल्स हमारे लाइफ में काम करेंगे। इलफिश कहाँ है? इलफिश अभी हम अंडमान की सबसे खूबसूरत जगह में एंट्री करने वाले हैं। क्या क्या है? इसको बोलते हैं सी कुकुम्बर। ये 25 तरह का होता है, इसमें से सबसे डेंजरस होता है पेंसिल सी कुकुम्बर। इससे बनता है कैंसर की दवाई कीमो। इससे बनता है, इससे और एक चीज बनता है जैपनीज ट्रेडिशनल स्टार्टर सुशी। नॉनवेज सुशी का जो शीट बनता है इसी का स्किन से बनाया जाता है। सी वाले? यस, अंडर वाटर का सबसे लेजी रिबेल बोला जाता है। बहुत ही एक्सपेंसिव है, पर किलो 2,500 रुपीज़ का होता है। बहुत ही एक्सपेंसिव है, इससे कैंसर की दवाई भी बनता है। इसका नाम है स्टार सी कुकुम्बर, देख सकते हैं। इसके बाद सेलिटन सी कुकुम्बर होता है, पेंसिल सी कुकुम्बर होता है,
सी कुकुम्बर में से सबसे डेंजरस होता है पेंसिल सी कुकुम्बर। पेंसिल यस, उसको पॉइजनस होता है, उसको आप लोग टच नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पता कैसे दिखता है? क्या जो दिख रहा है स्टार फिश, इसको बोलते हैं बिडिल स्टार फिश। रिकवरी हो जाता है। ठीक है, और जो गहरा पानी में मिलता है उसका टेंटिकल सिंगर जैसा मोटा होता है, रबर जैसा हार्ड होता है। ठीक है, स्टार जैसा ऑरेंज रेड पर्पल कलर का भी होता है, गहरा पानी में होता है। हम लोग स्कूबा स्नॉर्कलिंग जब करते हैं नॉर्मली देखते हैं, हम लोग सामने करते हैं, हम लोग डाइविंग। अभी हम लोग जाएंगे दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह, दो ही जगह है वर्ल्ड में जो आप फिश को फीड करा पाएंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ फिश होगा, कलरफुल फिश हो, बटरफ्लाई फिश, जेब्रा फिश, टाइगर फिश, नियोन फिश, रेडफिन फिश, स्नाइपर हो गया, इस सारे फिशेस को आप खुद हाथों से फीड करा पाएंगे। एक ऐसा जगह, ये नेचुरल हम लोग फिश एक्वेरियम करके जगह का नाम दिया। यहाँ पे जो चीज़ देखेंगे आपको 90% सारा लाइफ होगा। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे ही बच्चा में पानी रहता है। और एक जगह है बैंकॉक, बैंकॉक में आपको ये मौका मिलेगा, ऐसे जैसा फिश फीडिंग पॉइंट है बैंकॉक में। हाँ, बैंकॉक में एक जगह है जहाँ पर हम, मैं इंडिया नहीं, हमने पढ़ाई किया है, पता है। तो ये जगह जो है आप खुद हाथों से फीड करा। ये वाली पढ़ाई हमें भी करानी चाहिए ना, हमें क्यों नहीं कराते वाली पढ़ाई? वो गाइड की पढ़ाई होती है, अलग है। हाँ, गाइड बनने के लिए पढ़ाई होती है, तभी तो इनको इतनी इन्फॉर्मेशन होती है। सेंसर में चेक कराऊंगा आपको, कैसे मैं आप लेके जाऊंगा, नीचे चला जाएगा। मोती के संबंध है वाटर स्ट्रेन और इसका खुद का जेलेटिन मिक्स होकर मोती बनता है। ये मोती देने का बाद ही अपना प्लेस चेंज करते हैं, एक जगह से और एक जगह चला जाता है। ये एनिमल ब्लू कलर का ये मोती बनाता है। ये मोती देने के बाद शेल को और मोती को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। मोती इसका क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है, क्या होता है? इसका प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, एनिमल ही बनाता है मोती। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिली है कहीं रात जाके मुझे नेहा को और हमारे गाइड को चाय। चाय आप धूप वाली बनाते हैं, मिल्क पाउडर वाली? मीठा कौन सा? कन्हई ने हमें पूरा दिखाया एरिया,
लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2 में जो नेचुरल ब्रिज है वो सारा एरिया दिखाया, फिशेस दिखाई, काफ़ी अच्छे से इन्होंने घुमाया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा इनके साथ घूम के। अगर और सीन्स आप सारे देख ही चुके हैं और ऑब्वियसली ये सब दिखाने के बाद ही, और सबके से हमने जिनके साथ स्कूबा करी है वो इनके मामा हैं। हाँ, स्मॉल वर्ल्ड। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि गाइड करेंगे तो हमारे पैसे ख़राब हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर गाइड करने से इन्फॉर्मेशन वो मिलती है जो आपको पता भी नहीं होता, बिल्कुल बारीकी से आपको बताया जाता है, आपको घूमने में और ज़्यादा मज़ा आता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है आपका जब आपके साथ गाइड होता है, क्योंकि आपके पास डिटेल होती है बारीक से बारीक हर चीज़ से रिलेटेड। क्योंकि नॉर्मल लोग अगर आएंगे तो बोलेंगे पत्थर ही जो है रॉक है, रॉकी ब्रिज है, और रॉकी बीच है, ये ऐसा नहीं होता है, ये कोरल्स हैं। जैसा भैया ने बताया था 24 घंटे अगर इनको पानी नहीं मिलता तो डेड हो जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे हम तो पत्थरों पे चल के आए हैं, पत्थर वाला ब्रिज है वहाँ पे, पत्थर वाला बीच नहीं होता, ना ही पत्थर वाला ब्रिज है, एवरीथिंग इज कोरल ओवर हियर, व्हाट इज देयर इन द बीच, व्हाट वी हैव शोन यू। तो हम डेड कोरल्स पे चल के गए थे, हमने आपको लाइव कोरल्स भी दिखाए, डेड कोरल्स भी दिखाए, फिशेस भी दिखाई, नीमो भी दिखाई, स्टार फिश दिखाई आपको, और क्या दिखाया, हाँ सी क्यूकम्बर दिखाया, मैजिक फ्लावर दिखाया, सब कुछ दिखाया आपको, सब कुछ हमने, ये सब हमें नाम कैसे पता चले, गाइड की मदद से, गाइड अगर नहीं होते तो हमें नाम नहीं पता चलते। ब्रेन कोरल्स देखे हमने, कॉलीफ्लावर कोरल्स देखे, हनी कोरल देखे, हनीकॉम्ब कोरल्स देखे, टाइगर कोरल देखे, माउंटेन कोरल कोरल्स, माउंटेन कोरल देखे, शेल वाला इंसेक्ट देखा, अलाइव क्लैम शेल, क्लैम शेल देखा हमने, क्लैम शेल देखा, पल्प क्रिएटिंग शेल, हल्का हल्का चाय में शुगर कम रखिए। तो ये सब चीज़ें हमें पता नहीं लग पाती इफ यू नॉट हियर, एंड ऑल्सो वो शेल जो होता है जिसके अंदर मोती बनता है वो उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, दैट्स पॉइजनस, अगर अंदर डालेंगे उंगली काट के चला जाएगा, वो लेके चला जाएगा, यू डिड नॉट नो अबाउट दिस ना बिफोर ही वॉज हियर, तो इसलिए गाइड की बहुत इंपॉर्टेंस है ऐसे जगह पर जाना। जिसमें मोती होता है उसे क्या कहते हैं, जॉइंट क्लैम शेल, जॉइंट क्लाइम शेल, अगर उसमें कोई हाथ डाल दे और मोती निकाल ले सीधा सीधा तो 25 साल की जेल है, ठीक है। और गाइड लोगों को पता रहता है, जो वन्य विभाग के सी विभाग के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सबको पता रहता है कौन सा शेल कहाँ पे है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, अगर कोई चोरी भी करता है तो 25 साल की जेल है, और जुर्माना क्या है, जुर्माना तो आपको पता ही है, जिसकी जेल ही 25 साल की तो उसका जुर्माना भी लाखों में ही होगा। और ऐसा कभी ना करे, अगर कोई भी आता है तो हाथ ना डाले उसमें मोती उठाने के लिए, मोती दिखता है उसमें, अगर आपने मोती उठाने के लिए हाथ डाल दिया उसने, मतलब लाइफ जो भी है लाइफ चीज में हम लोग टच नहीं कर सकते, यूजुअली वो डेथ हो जाता है लाइफ चीज को, हाँ लाइफ चीज को टच करने में, और अगर हमने मोती उठाने के लिए हाथ डाल दिया और उसने अपना मुंह बंद कर दिया कट जाएगी आपकी उंगली, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। चलो थैंक यू सो मच कन्हाई, फिर मिलेंगे जब हम अगली बार आएंगे, थैंक यू सर, मैम बाय, चलो सी यू। और यहाँ पे आने का ना सुबह सुबह का टाइम ही सबसे अच्छा है, क्योंकि जब जो टाइड्स है ना वो लो रहती हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा सुबह का, अभी हम जब यहाँ आए थे सुबह के 6 बजे हुए थे, 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे के बाद ना टाइड्स बढ़ती रहती है, फिर कोई आप नॉर्मली आप वहाँ नहीं जा सकते, ये जो है नेचुरल ब्रिज उस तरफ आप ऐसे नहीं जा सकते जब तक टाइड्स नीचे नहीं होंगी, हाई टाइड्स होंगी तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है जाना, लो टाइड्स में इट्स वेरी ईजी टू गो देयर। Preponed only to 9:30 Now we are running towards our hotel जल्दी जल्दी में, and we'll just take bath, pack our breakfast and do that in the ferry only, because we have not left with time to have breakfast, you know, आराम से। तो हम क्या क्या पैक करा लेंगे, मसाला ऑमलेट पैक करा लेंगे, मसाला चीज़ ऑमलेट दे हैव स्पेशल है ना, और मेरी लेटली था पर तुम्हारे लिए साउथ इंडियन पैक करा लेंगे, हाँ, और दो बटर टोस्ट में जैम और मक्खन लगवा लेंगे, हाँ ठीक है सॉर्टेड। तो अगर सब ठीक रहा तो आपको मैक्रूज़ में मिलेंगे, और अगर सब ठीक नहीं रहा और कुछ गड़बड़ी हुई तो हम यहीं सड़कों पे घूमते हुए मिलेंगे आपको, घर को मिलेंगे।
नॉलेज दिखाते हुए अगर लेट हो गए तो विश कि हम लेट ना हो। ऑलराइट सी यू।